लेफ़्ट ओवर चीज़ों से अगर कुछ अलग तरह का नाश्ता बनाया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे बची हुई इडलियों से एक अच्छा सा स्नैक्स, जिसे आप शाम के स्नैक्स के लिए या फिर लंच बॉक्सेस के लिए पैक कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही क्विक है और इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है और बनने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हमें इडली चाहिए, तो यहाँ पे 6 इडली ले लिए मैंने, मीडियम साइज़ की इडलियाँ हैं। तो इन्हें हमें सबसे पहले काट लेना है। आप चाहे तो लंबे शेप में भी इसे काट सकते हैं या स्क्वायर पीसेस में काट लीजिए। तो यहाँ पे थोड़े से छोटे पीसेस में मैंने इसे काट के इस तरह से तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। अक्सर इस तरह का स्नैक्स जब बनाया जाता है तो इडलियों को डीप फ्राई किया जाता है और ये काफ़ी तेल पी लेती हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम बटर में इसे फ्राई करेंगे, जिससे इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच रखिए और इडली को ऐड करते हुए इसे बीच बीच में चलाते हुए हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। आप देखेंगे कि इनके ऊपर बहुत ही अच्छा एक क्रिस्पी सा लेयर आएगा, जो इस स्नैक्स में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो देखिए कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इनके ऊपर। तो इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं इन्हें। और इस तरह से भी आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल के इसे सर्व कर सकते हैं, ये तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए, अब सेम पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बटर। ये रेसिपी मैं बटर में बना रही हूँ, लेकिन आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब डालेंगे इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच राई और अच्छी तरह से इन्हें भून लेंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखिए। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से दोनों भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता और इसके साथ ही यहाँ पे ऐड किया मैंने हरी मिर्च, इसे भी फाइनली चॉप कर लीजिए। इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना स्पाइसी आप खाते हैं। अब डालेंगे इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर, सबको हमें एक साथ ही डालना है। उसके बाद हम इन्हें अच्छी तरह से भूनेंगे। बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं पड़ेगा आपको इसमें। सबको साथ में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लीजिए। तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर पूरी तरह से गल ना जाए। तो हार्डली आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा इसे भूनने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए ईजीली ये मैश हो रहा है। तो जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाए हम इसमें मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे ऐड किया है मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इडली ऐड कर देंगे, इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा इसमें टोमेटो केचप, जो बहुत ही अच्छा टैंगी टेस्ट देता है। साथ ही ऐड कीजिए इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है मूँगफली। ये रोस्टेड मूँगफली है जिसे हमें क्रश करके इसमें ऐड करना है। अब सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखिए। इसे तब तक भूनना है जब तक कि मसाले की कोटिंग इडलियों के ऊपर अच्छी तरह से ना आ जाए। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। स्पेशली हमने जो पीनट पाउडर इसमें ऐड किया है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, क्रंची टेस्ट लगेगा आपको। और ये देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सारे मसाले काफ़ी फ्रेग्रेंस वाले हैं, तो बहुत ही डिलीशियस रेसिपी ये बनके तैयार होती है। तो इस तरह से एक बार ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। स्पेशली स्नैक्स के लिए ये बहुत अच्छी है। अक्सर इडलियाँ हम बनाते हैं तो वो बची जाती हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। बिल्कुल इसी तरह से बनाइए। अगर अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।